बात करेंगे फिनिशिंग रिफ्लेक्स टाइप वन की, ठीक है। हम बात करेंगे फिनिशिंग रिफ्लेक्स टाइप वन। ये साइंटिस्ट ने काम किया था, ये था पैवलेव, इसे बोलते हैं फिनिशिंग रिफ्लेक्स। ये देखिएगा अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, बहुत ईजी है, ठीक है। इसमें साइंटिस्ट ने पैवलेव ने क्या किया, एक शीशे का जो है वो घर बनाया एक साइड पे अपने किसी जगह जिसने काम किया या अपनी लैब के अंदर, उसने शीशे का एक साइड पे कोने पे एक घर से बनाया शीट्स का ट्रांसपेरेंट का, उसके अंदर डॉग्स को रखा, उसमें इलेक्ट्रिक सिस्टम लगाया, उसके माउथ के अंदर वो बाउल सा बनाया उसके सलाइवा इकट्ठा करने के लिए, और उसके सारे सिस्टम लगाए, ठीक है ना, उसकी सारा इलेक्ट्रिक सिस्टम लगाया, उसकी नर्व चेक करने के लिए, उसका बिहेवियर चेक करने के लिए। और उसने क्या किया कि उसने चेक किया कि कुत्ता कैसे लर्न करता है। उसने क्या किया कि जब काफ़ी टाइम गुजर गया 6-7 घंटे, तो वो उस रूम में गया तो उसने क्या किया, बेल ली उसने जैसे ही वो रूम में एंटर हुआ ना, तो कुत्ते को पता लगा कोई मालिक मेरा आया है, तो उसने एंटर होती ना बेल बजाना शुरू कर दी, टन 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 बेल बजाना शुरू कर दी। और बेल बजाना शुरू कर दी, कुत्ता थोड़ा एक्टिव हो गया, पता नहीं कोई ऐसी नई चीज़ आई है। जब उसने बेल बजाई तो बेल बजाते सारे वो जो कुत्ते के वो जो शीशे वाला घर था उसका बनाया था केबन सा, उसके पास पहुँचा तो बेल जोर से बजाई और साथ ही गोश्त का टुकड़ा दे दिया। कुत्ते के मुँह में पानी आना शुरू हुआ, वो जो उसके लगाया हुआ था बैग सा इलेक्ट्रिक सिस्टम सा, वहाँ सारा सलाइवा भी इकट्ठा हो रहा था। अच्छा, अब देखिएगा, अब जैसे ही ना उसने कुत्ते को गोश्त दिया, तो कुत्ता मजे से कुत्ता गोश्त को देख के ना अभी दुम हिला रहा है, मूव कर रहा है, और कुत्ते के माउथ के अंदर जो है ना वो पानी आ जाता है। अब वो सारा वो क्वांटिटी को मेजर भी करता है कि क्या हुआ असल में। अब कुत्ते ने सीखा कि बैल के साथ कुछ मसला है, यानी बैल बजती है तो कुछ आता है, ये उसके माइंड में बैठ के बैल है। हालांकि बैल गोश्त की वजह नहीं है, बैल इज अदर कंडीशनर, ये अनकंडीशन थी लेकिन कंडीशन बन गई, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या हुआ, फिर सुबह 10 बजे वो कुत्ता भूखा था, वो फिर दोबारा आते हैं, जैसे ही दोबारा खोलते हैं कुत्ता एक्टिव हो जाते हैं और वो फ़ौरन से बैल बजाते हैं। अब जैसे ही वो बैल बजाता है, कुत्ता पहली बार जिस पर ज़्यादा एक्टिव होता है, उसके माउथ के अंदर सलाइवा भर जाता है। अब कुत्ते के माइंड में पहले था कि पहले बैल हुई थी गोश्त का टुकड़ा आया था, अब इस बार तो कुत्ता ज़्यादा उछलता है, उसके मुंह में काफ़ी ज़्यादा सलाइवा आ जाता है। जैसे ही वो उसके पास पहुँचता है बैल को बैल की आवाज़ तो वो बजाता जा रहा है, बैल जैसे ही वो बजाता फिर वहाँ पास जाके कुत्ता और एक्टिव हो जाता है, और फिर साथ ही वो गोश्त का टुकड़ा उसको देता है, कुत्ता जनाब खुश खाता है और खुश हो जाता है। थर्ड टाइम क्या होता है, अब थर्ड 5-6 बजे फिर उसी दिन या नेक्स्ट डे आता है वो, तो जैसे ही वो एंटर होता है कुत्ता पहले किसी में ज़्यादा एक्टिव होता है, उसको पता है हर दफ़ा मेरा मालिक इस टाइम आता है, और जैसे ही वो एंटर होता है गेट से बेल बजाता है ना, कुत्ता उछलता है, कुत्ता कुत्ते के माउथ में पानी भर जाता है, बहुत ज़्यादा सलाइवा बन जाता है। और जैसे ही उसके पास पहुँचता है ना, बेल जैसे ख़त्म करता है उससे पहले उतनी क्वान्टिटी जो पहले बनी थी उतना सलाइवा बन जाता है, कुत्ता सही उछल होता है कि कुत्ते के बारे में पक्का होता है कि अभी गोश्त का टुकड़ा आएगा, लेकिन इस दफ़ा गोश्त का टुकड़ा नहीं होता। अब गोश्त टुकड़ा नहीं इस दफ़ा, लेकिन बैल बजी है और कुत्ते के मुंह में सलाइवा आ गया। वजह क्या है, हालांकि बैल वजह नहीं है उसकी सलाइवा की, असल में उसने लर्न किया कि बैल होती है तो उसके साथ गोश्त टुकड़ा आता है, उसके साथ एसोसिएट कर दिया कंडीशन। हालांकि गोश्त कंडीशन है लेकिन जो बैल है वो अनकंडीशन थी, वो कंडीशन बन गई। तो ये लर्न किया कुत्ते ने कि बैल होती है तो कुछ गोश्त टुकड़ा कुछ खाने को मिलता है, तो दिस इज कॉल्ड लर्निंग, इसमें कुत्ते ने लर्न किया। अब यहाँ आइएगा, बस कोशिश करता हूँ ये अभी 5-7 में वाइंड अप कर दूँ। अभी ये कंडीशनिंग रिफ्लेक्स टाइप 2, इसे बोलते हैं ट्रायल एंड एरर लर्निंग। इसमें क्या होता है, इसमें एक साइंटिस्ट था उसे बोलते हैं स्किनर बी एफ स्किनर। इस साइंटिस्ट ने क्या किया, उसने एक पजल से बनाया, उसमें छोटे छोटे रूम बनाए, एक बड़ा रूम बनाया, एक बड़ा बॉक्स बनाया, उसके अंदर बॉक्स से छोटे रूम बनाए, कुछ पाथवे बनाए, और वहाँ चूहे को छोड़ दिया एक साइड से, दरवाजा खोला चूहे को छोड़ दिया। अब चूहे को छोड़ दिया, जैसे चूहा अंदर गया दरवाजा बंद हो गया। अब उसने एक जगह दरवाजा खोल रखा, अंदर की तरफ दरवाजा खोलेगा, उसने अंदर की तरफ एक जगह पर लगाया लीवर,
ताकि जब वहाँ पे पाँव आए चूहे का तो वो दरवाजा खुल जाए, वहाँ से स्केप हो जाए। अब क्या हुआ, ये चूहा था, जैसे चूहे को छोड़ा ना उस चैम्बर में, जिग जैग चूहे कभी उधर भागे कभी उधर भागे कभी उधर भागे, पागल हो गए थे चूहा, कभी उधर कभी उधर भाग रहे उधर भाग रहे। अब चाहे क्या होता है, एक जगह पे ना जहाँ पे चूहा एक जहाँ पे स्केप है एग्जिट है, वहाँ उसको पाँव रखते हैं, जैसे पाँव रखते हैं ना तो वो लीवर उठते हैं, दरवाजा खुल जाता है और वहाँ से वो निकल जाता है। जैसे वहाँ से निकलता है तो वहाँ भी दरवाजे से निकलता है ना, उसके पास समझे कि उस साइड पे रोटी का टुकड़ा रखा उसने, वो जो है ना उस रोटी के टुकड़े को दे के खुश हो जाता है और खा जाता है। हालांकि वो भूखा नहीं था, उसने वैसे उसको ट्रैप किया था कि वो पाथ वे ढूंढे कैसे निकलेगा। अब कुत्ते ने क्या किया, कुत्ते की बात करूँ, मतलब जैसे कुत्ते ने वो लर्न किया ना, वहाँ भी इस चूहे में लर्न किया, क्या लर्न किया देखिएगा। अब सेकेंड टाइम क्या किया, सेकेंड टाइम उसने भूखे चूहे को भूखे छोड़ के उस पदल के अंदर मेज के थे पदल को जिग जैग जो होता है उसमें छोड़ दिया। अब कुत्ते ने जैसे कुत्ते ने लर्न किया बैल के वाले से, सेम यहाँ पर चूहे ने लर्न किया कि जब मैं यहाँ पर पहुँचा था तो यहाँ पे जब मैं पहुँचा तो इस जगह पे जो है मुझे आज़ादी मिली, मतलब पाँव लगा मेरा लीवर पे। तो अब जाए कि चूहा जिग जैग पागल से भागे, उसने फ़ौरन वहीं पर गया जहाँ उसका पाँव लगा था, वो फ़ौरन टाइम वेस्ट किए, वहाँ पहुँचते लेवल में पाँव लगते हैं और वो द्वारा खुलते हैं, वो बाहर निकल जाता है और उसको रोटी का टुकड़ा भी मिल जाता है और वो भूखा होता है वो खा भी लेते हैं। अब यहाँ पे चूहे ने क्या किया, ट्रायल एंड लर्निंग, उसने पहले गलती की, पहले भागता गया, अब उसने कहते हैं गलती से सीखता है, उसने गलती से सीखा कि पहले जब मैं जिग जैग भागा था कोई फ़ायदा नहीं हुआ, यहाँ पहुँचा तो लीवर दब गया, प्रेस हुआ में निकल गया। तो यहाँ पर उसने क्या किया, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, जिसे बोलते हैं कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप टू। आइडिया हो गया, अब यहाँ आइएगा लेटेंट लर्निंग क्या है। लेटेंट लर्निंग के बारे में समझाऊंगा, ये बुक भी तक क्लियर नहीं है, फिर ये समझाऊंगा। व्हाट इज लेटेंट लर्निंग, लेटेंट लर्निंग में क्या होता है कि कोई जानदार जो कुछ सीखता है वो फुल एक्सप्रेस नहीं करता। मतलब जैसे छोटा बच्चा होता है एक साल का, अब बच्चा क्या होता है देखते होते माँ बाप फ़ोन कर रहे हैं या माँ बाप बापू सिगरेट पी रहे हैं, अब बच्चा वहाँ पे साल के बच्चा देख रहे हैं लर्न कर रहे हैं, लेकिन बच्चा फ़ौरन वो एक्टिविटी नहीं करेगा। अक्सर क्या होता है, आप जो कुछ एक्टिविटी कर रहे होते हैं कुछ दिनों बाद बच्चा वो एक्टिविटी करता है, तो वो एक्टिविटी जो बच्चा जिस वक्त लर्न करते हैं वो उस वक्त शो नहीं करता, बट शो लेटर ऑन। और वो जो एक्टिविटी जो वो लर्न करते हैं वो डैट बिकम डारमेंट, वो उस वक्त डारमेंट हो जाती है, एक्सप्रेस नहीं होती, बट लेटर ऑन एक्सप्रेस। सच टाइप ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड लेटेंट लर्निंग, जो फ़ौरन बच्चे सीख के एक्सप्रेस नहीं करता, कुछ दिन बाद कुछ महीने बाद एक्सप्रेस करते हैं, इस टाइप की लर्निंग को बोलते हैं शबल लेटेंट लर्निंग। वो लर्निंग जो डारमेंट हो जाए, जो पहले छुप जाए, मतलब हिडन हो जाए, और कुछ दिनों महीनों बाद एक्सप्रेस हो, बच्चा वही एक्टिविटी करे। अब फर्स्ट किया बाप देखते हैं हफ्ते बाद बच्चा टेबल पे पड़ी है माचिस की डबी और माचिस और सिगरेट डबी पड़ी है, बच्चा सिगरेट गा गया ऐसे मुंह लगा रहा है, ये मोबाइल वाला बच्चा ऐसे काम करता है हेलो हेलो, तो बच्चा लर्न कर रहा होता है, दिस इज कॉल लिटिल लर्निंग। अब यहाँ आ जाए इनसाइड लर्निंग, लास्ट बार इनसाइड जो लर्निंग है दैट्स एडवांस लर्निंग। इनसाइड लर्निंग में क्या इन्वॉल्व है, रीजनिंग लॉजिक इन्वॉल्व है, थिंकिंग इन्वॉल्व है। जैसे इसमें एक साइंटिस्ट ने वर्क किया था, एक रूम बनाया छोटा सा, उसमें दो तीन छोटे छोटे बॉक्सेस से टेबल से बॉक्सेस से लकड़ी के वुडन के रख दिए और एक भूखे मंकी को वहाँ पे छोड़ दिया और सीलिंग पे जो है वो केलों का गुच्छा लटका दिया, केलों का बनानास। अब जी कल तो मंकी जो कि बैठ जाता आराम से, जब उसे भूख लगती है ना तो मंकी देखता है भूख लगी है, अचानक उसे नज़र पड़ती है केलों पे, केले लटके हुए हैं सीलिंग पे ना, तो क्या करता है सोचता है यार केले कैसे तारो, पहले वो जंप करता है ऐसे ऐसे तो कोई फ़ायदा नहीं होता, फिर वो देखते हैं टेबल छोटा बड़ा होता है, उस टेबल को ला के देखते हैं उसके ऊपर चढ़ के ना, फिर ट्राई करते हैं फिर ना काम हो जाता है, फिर वो देखते हैं क्या करूँ सोचते हैं प्लानिंग करते हैं, फिर देखते हैं स्टूल पर पड़ा हुआ उसको उठा के उसके ऊपर रखते हैं, फिर उसके ऊपर चढ़ के जो है वो उतारता है केलों को। अब वो कोशिश करता है केले के ऊपर कहीं उसका हाथ पहुँच जाता है, लेकिन वो फिर गिर जाते हैं, जरा हाथ दूर है, फिर वो थक करके बैठ जाते हैं, फिर सोचते हैं क्या करूँ, फिर आप देखते हैं कि एक और उसको बॉक्स मिला होता है छोटा टुकड़ा लकड़ी का टेबल का, वो उठाता है पहले वाले के दूसरा सारे टेबल को ऐसे पीसेस को रख के ना
तो उसको समझ आती है कि आप पहुँचेगा, पहुँच के ऊपर चढ़ जाता है और केले को उतार के खा जाता है। मतलब केले तो खा ली, उसने यहाँ प्लानिंग की। दिस कॉल व्हाट इज इट लर्निंग, एडवांस लर्निंग, दिस ऑल अबाउट ये लर्निंग है। इसमें लर्निंग इन्वॉल्व है, ये इसमें कोई ये जेनेटिक्स भी होती है, ये डिपेंड करता है कि हाउ मच वी लर्न, बट ओवरऑल दिस कॉल लर्निंग। ओके, चैप्टर एंड हुआ, ठीक है, गार्बेज शू पढ़ लीजिए, समझ लीजिए।